टीवी स्टूडियो में चकाचौंध में टाई पहनकर आदिवासियों को वन में रहने की हिदायत देने वाले लोग, उनको कोयला चोर घोषित कर देने वाले लोग, ये बनेंगे शोषितों, दलितों, वंचितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की आवाज। टीवी स्टूडियो में बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान है, चले जाइए गांव देहात। आज की तारीख में भी एक ब्राह्मण और ठाकुर को बाबा और बाबू कहा जाता है, और कोई दलित पिछड़े वर्ग का आज भी आपके सामने कुर्सी पर बैठने से अचकचाता है, उसके लिए बेंच लगाई जाती, अलग बर्तन में खाना दिया जाता है। क्या ये उन दलितों की आवाज बन सकते हैं जो दलित बस्ती तक सीमित है? क्या ये उस दर्द को समझ सकते हैं? एक भी संपादक मेनस्ट्रीम मीडिया का न एससी है, न एसटी है, न ओबीसी है, जबकि उनकी जनसंख्या 73% है। एक सवाल का जवाब देते जाइए, आपकी टीम में कितने दलित, कितने पिछड़े और कितने आदिवासी? राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से ये पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। ये सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है, पर इस सवाल से मीडिया के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े उत्तेजित, आक्रोशित और विचलित नजर आ रहे हैं, टूट पड़े हैं राहुल गांधी पर। लेकिन यह सवाल जितना गंभीर और जितना गहरा है और जितना वाजिब है, उससे उत्पन्न उत्तेजना उतनी ही सतही, उतनी ही हल्की, उतनी ही सस्ती है। हमारे देश में पत्रकारिता का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जंगे आजादी के दौरान आजादी के महानायकों ने पत्रकारिता के माध्यम से पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, उनके खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी जी ने तो अपने अखबार का नाम ही हरिजन रखा था। तब पत्रकारिता व्यवसाय नहीं थी, आजादी आई, पत्रकारिता का व्यवसायीकरण हुआ। और यह सच है कि संपादक और पत्रकार अधिकांश एक ही वर्ग से आने लगे। वो अधिकांश सवर्ण वर्ग के थे और जो उनके मालिक थे वो अधिकांश वैश्य थे। उठाकर देख लीजिए किसी भी बड़े मीडिया हाउस को। आज भी 2024 में एक भी संपादक मेनस्ट्रीम मीडिया का न एससी है, न एसटी है, न ओबीसी है, जबकि उनकी जनसंख्या 73% है। तो उनका प्रतिभाग कहां है, उनका रिप्रेजेंटेशन कहां है? यही सवाल तो राहुल गांधी जी ने उठाने की कोशिश की है, इसी सवाल का तो जवाब वो आपसे मांग रहे हैं। बजाय इसका जवाब देने की कि इन लोगों का 73% का रिप्रेजेंटेशन कहां है, राहुल गांधी पर टूट पड़ना इसका जवाब नहीं है, उस पर बरगलाना इसका जवाब नहीं है। और क्या ये लोग उन लोगों की आवाज बन सकते हैं? क्या ये समझ सकते हैं उनकी पीड़ा? टीवी स्टूडियो में बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान है, चले जाइए गांव देहात। आज की तारीख में भी एक ब्राह्मण और ठाकुर को बाबा और बाबू कहा जाता है, और कोई दलित पिछड़े वर्ग का आज भी आपके सामने कुर्सी पर बैठने से अचकचाता है, उसके लिए बेंच लगाई जाती है, अलग बर्तन में खाना दिया जाता है। क्या ये उन दलितों की आवाज बन सकते हैं जो दलित बस्ती तक सीमित है? क्या ये उस दर्द को समझ सकते हैं? टीवी स्टूडियो में चकाचौंध में टाई पहनकर आदिवासियों को वन में रहने की हिदायत देने वाले लोग, उनको कोयला चोर घोषित कर देने वाले लोग, ये बनेंगे शोषितों, दलितों, वंचितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की आवाज? नहीं बन सकते हैं। लेकिन असलियत यह है, और यह असलियत बयां करनी जरूरी है, कि राहुल गांधी ने जब मुख्य धारा के मीडिया से सवाल पूछा तो उनकी बेचैनी स्वाभाविक है। पिछले 10 साल से मीडिया जो है वो अपना कर्तव्य भूल चुका है, सवाल नहीं पूछता, उनकी जो विश्वसनीयता है वो शून्य पर है। तो राहुल गांधी जी जब धराशायी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मलबे पर खड़े होकर दहाड़ते हैं कि तुम्हारे इस पूरे मायाजाल में आम जन की आवाज कहां है, तो यह बेचैनी स्वाभाविक है। यह बेचैनी स्वाभाविक है और डर भी है। डर इस बात का है कि चाहे वो दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के लोग हो जो 73% है, चाहे वो गरीब हो, अभिजात वर्ग के, वो इनसे सवाल पूछेंगे कि बेरोजगारी के सवाल कहां है, महंगाई के सवाल कहां है, आर्थिक असमानता के सवाल कहां है, क्यों पर्चे लीक हो रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। इनको डर है कि अगर उन्होंने अपने मुद्दों पर वैकल्पिक मीडिया को ढूंढ लिया तो इनके प्रचार प्रसार का क्या होगा, इनके कारोबार का क्या होगा। इसीलिए राहुल गांधी जी का जो सवाल है वो सटीक है, क्योंकि सामाजिक चेतना से ही सामाजिक न्याय आएगा, और न्याय तो आकर रहेगा, आप कितने भी आक्रोशित हो जाइए। लेकिन उस झूठे आक्रोश, उस झूठी उत्तेजना, उस टेबल पटकने में एक सवाल का जवाब देते जाइएगा,
आपकी टीम में कितने दलित, कितने पिछड़े और कितने आदिवासी हैं।